साहित्य जगत। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 12 के लिए विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा लिखित ऐच्छिक हिंदी की पाठ्यपुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास सामान्य परिचय में संकलित पाठों पर आधारित श्रृंखला साहित्य जगत। इस श्रृंखला के अंतर्गत सुनिए कार्यक्रम आधुनिक काल के अंतर्गत खड़ी बोली गद्य का विकास। आधुनिक काल को गद्य युग कहा जाता है। इसका कारण यह है कि आधुनिक काल में गद्य का महत्व बहुत बढ़ गया है। विचारों को प्रकट करने के लिए पद्य की अपेक्षा गद्य अधिक समर्थ माध्यम होता है। मुगल काल के अंतिम दौर में खड़ी बोली गद्य में फारसी का प्रयोग बढ़ने लगा था। जैसे आजकल लोग अपनी सामाजिक मर्यादा का प्रदर्शन करने के लिए हिंदी बोलते समय अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करते हैं, वैसे ही उस काल में फारसी का प्रयोग करने लगे होंगे। इससे स्वाभाविक खड़ी बोली की भाषा की उर्दू शैली का जन्म हुआ। ۱۸۰۳ ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता के हिंदी उर्दू अध्यापक जॉन गिलक्राइस्ट ने हिंदी और उर्दू दोनों में गद्य पुस्तकें तैयार कराईं। इसी कॉलेज के लल्लू लाल ने खड़ी बोली गद्य में प्रेम सागर और सदल मिश्र ने नासिकेतोपाख्यान लिखा। इसके दो वर्ष पूर्व मुंशी सदा सुखलाल ने ज्ञानोपदेश की एक पुस्तक और उर्दू के प्रसिद्ध कवि इंशा अल्लाह खान ने रानी केतकी की कहानी लिखी थी। ये सारा लेखन 1803 ईस्वी के आसपास हुआ। आधुनिक खड़ी बोली के ये महानुभाव प्रारंभिक लेखक हैं। इनका संक्षिप्त परिचय है। मुंशी सदा सुखलाल नियाज 1746 से 1824 ईस्वी। ये दिल्ली के रहने वाले थे और उर्दू फारसी के भी लेखक थे। इन्होंने सुख सागर लिखा था और एक ज्ञानोपदेश वाली पुस्तक जिसका उल्लेख हो चुका है। इनकी भाषा सहज एवं प्रवाहमयी है। कथावाचकों, पंडितों और साधु संतों में प्रचलित शैली का प्रभाव इनकी खड़ी बोली के गद्य पर है, किंतु इससे भाषा की सहजता पर आंच नहीं आई है। इंशा अल्लाह खान 1756 से 1817 ईस्वी। ये उर्दू के प्रसिद्ध कवि थे। इन्होंने उदय भानचरित या रानी केतकी की कहानी खड़ी बोली गद्य में लिखी। इनकी भाषा काफी अलंकृत, चुटीली और मुहावरेदार है। बात यह है कि उन दिनों कहानी कहने या किस्सा गोई की कला काफी प्रचलित थी। इंशाअल्लाह खां के गद्य पर इस किस्सा गोई की शैली का प्रभाव है। गद्य के बीच बीच में पद्य जैसी तुकबंदी उन दिनों के उर्दू गद्य लेखन में मिलती है।
वो लल्लू लाल के यहां भी है और इंशाअल्लाह खां के यहां भी। उदाहरण के लिए ये पंक्ति, ये कैसी चाहत जिसमें लहू बरसने लगा और अच्छी बातों को जी तरसने लगा। लल्लू लाल जी 1763 से 1825 ईस्वी। इन्होंने खड़ी बोली गद्य में प्रेम सागर लिखा। अरबी फारसी के जो शब्द खड़ी बोली में घुल मिल गए उनको भी इन्होंने अपने गद्य में स्वीकार नहीं किया। इनकी भाषा के विषय में शुक्ल जी का वक्तव्य सटीक है। भाषा की सजावट भी प्रेम सागर में पूरी है। विरामों पर तुकबंदी के अतिरिक्त वर्णनों में वाक्य भी बड़े बड़े आए हैं और अनुप्रास भी यत्र तत्र हैं। मुहावरों का प्रयोग कम है। सदल मिश्र 19वीं शताब्दी का प्रारंभ। इन्होंने लल्लू लाल जी की तरह फोर्ट विलियम कॉलेज के लिए खड़ी बोली गद्य की पुस्तक तैयार की। इनकी पुस्तक का नाम है नासिकेतोपाख्यान। इनकी भाषा में पूर्वीपन है। ये आरा बिहार के रहने वाले थे। इनकी भाषा व्यवहारोपयोगी है। खड़ी बोली गद्य के इन चारों प्रारंभिक लेखकों में मुंशी सदासुखलाल नियाज का गद्य अधिक व्यवस्थित और व्यवहारोपयोगी है। रामप्रसाद निरंजनी के भाषा योग वाशिष्ठ की ही परंपरा में उनका गद्य है। गद्य का विकास करने में ईसाई मिशनरियों का भी बहुत बड़ा हाथ है। गद्य के विकास में छापाखानों यानी प्रेस की बहुत बड़ी भूमिका है। छापाखानों के बिना इतनी अधिक संख्या में पुस्तकें मुद्रित नहीं हो सकती थीं। पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशित होने की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। अंग्रेजी की शिक्षा के प्रसार के साथ साथ हिंदी उर्दू की भी पढ़ाई की व्यवस्था सरकार ने की। इसके लिए पुस्तकों के प्रकाशन की भी व्यवस्था हुई। 1833 ईस्वी के आसपास आगरा में स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना हुई, जिसने कथासार नामक पुस्तक प्रकाशित कराई। 1840 ईस्वी में भूगोल सार और 1847 ईस्वी में रसायन प्रकाश छपा। इस तरह हिंदी गद्य में पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। विकास विरोध के बिना नहीं होता, ये बात हिंदी गद्य के विकास पर भी लागू होती है। ईसाई धर्म के प्रचार का प्रभाव हिंदू जनता पर पड़ रहा था। ऐसी स्थिति में हिंदू जनता को उस प्रभाव से बचाने का प्रयास होना अनिवार्य था। इस तरह हिंदी गद्य में धार्मिक खंडन मंडन की प्रवृत्ति प्रारंभ हुई। बंगाल में राजा राम मोहन राय इस कार्य में आगे बढ़े। 1815 ईस्वी में उन्होंने वेदांत सूत्र का हिंदी गद्य में अनुवाद प्रकाशित कराया। 1829 ईस्वी में उन्होंने बंगदूत नामक पत्र भी हिंदी में निकाला। इसके 3 वर्ष पहले 1826 ईस्वी में कानपुर के पंडित जुगल किशोर ने हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड कोलकाता से निकाला। यह विचित्र संयोग था कि हिंदी के प्रारंभिक समाचार पत्र हिंदी क्षेत्र से नहीं उसके बाहर कोलकाता से निकले। ये भी ध्यान देने की बात है कि राजा राममोहन राय जैसे महान देशभक्त और समाज सुधारक ने हिंदी गद्य का अखिल भारतीय महत्व समझा। हिंदी के प्रथम समाचार पत्र के गद्य का नमूना इस प्रकार है। यह उदंत मार्तंड अब पहले पहल हिंदुस्तानियों के हित के हेत जो आज तक किसी ने नहीं चलाया, पर अंग्रेजी और फारसी और बंगला में जो समाचार का कागज छपता है उसका सुख उन बोलियों के जानने और पढ़ने वालों को ही होता है।
समाचार पत्रों की भाषा यथासंभव रूढ़ियों से मुक्त व्यवहारोपयोगी होती है। 1845 ईस्वी में राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद ने काशी से बनारस अखबार निकाला। इसकी लिपि देवनागरी थी, लेकिन भाषा उर्दू की ओर झुकी हुई। बनारस से ही 1850 ईस्वी में सुधाकर निकला। राजा लक्ष्मण सिंह ने 1860 ईस्वी में आगरा से प्रजा हितैषी नामक पत्र निकाला। 1863 ईस्वी में आगरा से लोक मित्र निकला। 1867 ईस्वी में नवीन चंद्र ने ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। कहने का आशय यह है कि हिंदी क्षेत्र में वैचारिक विविधता का रूप पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से सामने आने लगा। इससे हिंदी जीवन व्यवहार की भाषा के रूप में तेजी से विकसित होने लगी। अठारह ईस्वी में तत्कालीन संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश के सब दफ्तरों की भाषा उर्दू कर दी गई। इसका प्रभाव ये पड़ा कि शिक्षित होने का व्यवहार में अर्थ हो गया उर्दू दा होना। हिंदी केवल धर्म कथा, पुराणों को सुनने सुनाने और स्त्रियों के लिए व्रत त्यौहार की भाषा बनकर रह गई। उर्दू के समर्थन में गारसद अतासी और सर सैयद अहमद ने बहुत प्रयास किया। हिंदी के लिए उद्योग करने वालों में फ्रेडरिक पिंकॉट का नाम सदैव स्मरणीय रहेगा। शिक्षा विभाग के अधिकारी राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद प्रारंभ में हिंदी के समर्थक थे, किंतु बाद में उर्दू के पक्षधर हो गए। इस युग में राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शाकुंतलम और रघुवंश के गद्य अनुवाद के माध्यम से हिंदी का प्रांजल रूप सामने लाकर उसका पक्ष सुदृढ़ किया। पंजाब के श्रद्धाराम फुल्लौरी ने 1863 ईस्वी के आसपास अपने पांडित्यपूर्ण एवं निर्भीक व्याख्यानों और लेखों से हिंदी को बहुत आगे बढ़ाया। 1867 ईस्वी में इनका भाग्यवती नामक उपन्यास हिंदी के प्रथम उपन्यास के रूप में प्रसिद्ध है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की। वे इसके पूर्व से ही घूम घूम कर वैदिक धर्म का प्रचार करते थे। उन्होंने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश अपने समय को देखते हुए परिमार्जित हिंदी गद्य में लिखा। स्वामी जी गुजराती भाषी थे। इसके पहले हम देख चुके हैं कि बंगाल में राजा राम मोहन राय ने हिंदी गद्य का उपयोग किया था, और इसी प्रकार पश्चिमोत्तर भारत के गुजराती भाषी स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी गद्य को अपने मत प्रचार का साधन बनाया। इस प्रकार खड़ी बोली हिंदी गद्य विकसित हो रहा था। यह विकास नई चेतना के प्रसार का माध्यम भी था। इस चेतना का दबाव केवल गद्य नहीं, पूरे साहित्य पर पड़ना अनिवार्य था। हिंदी साहित्य में इस नई चेतना का प्रवेश भारतेंदु युग में हुआ। आधुनिक काल के अंतर्गत खड़ी बोली गद्य का विकास। साहित्य जगत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विशेष संयोजन डॉक्टर संध्या सिंह, डॉक्टर चंद्रा सदायत एवं लालचंद राम। आलेख विश्वनाथ त्रिपाठी। वाचन स्वर अरुण सिन्हा और राजश्री त्रिवेदी। कार्यकारी निर्माण प्रभुदयाल खट्टर। ध्वनिंकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे। निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।